अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुरेना, सुरेना, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। सुरेना, मैं जल्दी जल्दी इस जगह से बाहर निकलना होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, हो सकता है कि वो लोग बाहर पहरा लगा के बैठे हों। चलो हम यहां से निकलते हैं। सुनेना, यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, टाइम वेस्ट मत करो, चलो। नाना करके ना टाइम वेस्ट आप कर रहे हो, हाथ दो। इल्लियो जीजी, आपके लिए खास चामोमाइल टी, खास आपके लिए मंगाए हम। लियो, आजकल आप बहुत परेशान रहती है ना, ये जो है ना ये सारी टेंशन भगा देता है और दिमाग को ऐसे शांत रखता है। लियो, कैमोमाइल टी कहते हैं इको मेघना, और हम जानते हैं ये बउआ लेकर आया ना। वही तो। मेघना, जरा मीठा मिला खाए कि मेरा ब्लड शुगर बहुत डाउन हो गया है ये टेंशन के मारे। हाँ ये तो है। ये लो जीजी, ये आपके दिमाग को शांत कर देगा और बोली में भी मिठास लाएगा आपका। हेलो, खबर मिला है कि बाबू साहिब की पत्नी को गोली लगा है, हालत गंभीर है और इलाज चल रहा है। का पहली बुझाने के मूड में नहीं है हम, सीधा मुद्दे पर आइए। राजकुमारी जी, लगता है आपका दिल दुखाने वालों को भगवान खुद सजा देते हैं। खबर हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ जीत जी, एक खुशखबरी सुनकर खुश नहीं लग रही आप? हाँ, कुछ गड़बड़ है मेघना। सुनैना की शादी के 2 दिन पहले मुझ को गोली कौन मारा? पति पत्नी के बीच में अपनी बिटिया को लेके बहुत
टेंशन था कहीं बाबू साहिब तो गोली नहीं चला दिए अपनी बिटिया की शादी को लेकर। अरे चिची, लेकिन लड़का लड़की तो तैयार थे ना। हाँ, लेकिन एक है जो तैयार नहीं था, कहीं वही बवाल तो नहीं खड़ा कर दिया। तुम आओ हमारे साथ। भगवान जी, जी इस बंद कमरे से ये नमन उड़न क्यों कहां हो लिया? ये तो हमारी वो वाली पहली नोकझोंक है ना। वो वाली? कौन सी वाली? वो कपल वाली। नमन जी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना, भागना भी तो है, चले। वैसे कहाँ रह गए थे आप? बड़ी देर कर दी आने में, आप ही का इंतजार हो रहा था। अरे दाम की बात बाद में कर लेंगे, पहले जरा खूबसूरत चेहरे का दीदार तो कर लो। खुद को उस पे लुटा दोगे आप? दिखा भी दीजिए अब चेहरा, बेचैनी बढ़ा रहे हैं आप हमारी। ये रहा हमारा कोहिनूर का हीरा। इसे हमने आप जैसे खास ग्राहक के लिए संभाल के रखा था। को कमरे से बाहर निकाला है? कौन हिम्मत किया है हमारे सिराने के नीचे से चाबी चुराने का? वो हिम्मत दारू से मिला था हमको, सोचने का क्षमता खो दिए थे कि होश में हम भाभी का सामना कैसे करेंगे। भगवान, जॉन भी नमन को कमरे से बाहर निकाला है ना, हमको बताओ क्यों, कहां गया है? अगर बउआ ने कुछ गड़बड़ कर दिया ना, तो ये समझ लो कि उससे पहले हम तुमसे निपटेंगे। मुझे लगता है जीजी के गुस्से का आंच खाली इन्हीं को लगा है, अकेले ही पसीना पसीना हो रहे। कुछ तो गड़बड़ है।
क्यों आंखें चौंधिया गई ना? हाँ? देखा है कभी ऐसे चमचमाता कोरा चेहरा? क्या ख्याल है हमारी इस अनछुई सी नाजुक कोमल कली के बारे में? सुभान अल्लाह, वो तो देखते ही समझ गया था मैं कि इतना कमसिन माल पहले क्यों नहीं दिखाया। मन तो करता है कि इसका आगे सौदा ही ना करूं। इसे अपने पास रख लूं। देखिए असलम जी, आप आगे इसका सौदा करते हैं नहीं करते या आपकी मर्जी, फिलहाल हमारे साथ सौदा कीजिए, 20 लाख दे जाइए और अपना माल ले जाइए। बीस लाख सिर्फ आंखें सेकने से कैसे पता चलेगा कि ये इतनी बड़ी रकम के लायक है भी या नहीं? अरे तो अपने हाथ भी सेक लीजिए ना, आइए छू कर देख लीजिए इसे। और छू कर बताइए कि ये सौदा मुनाफे का है या नहीं? सुभान अल्लाह, मक्खन कमाल का बनाया ऊपर वाले ने। तो ये दोनों नाटक कर रहे थे, बाज नहीं आएंगे ये दोनों। इसको इतना मारो कि आशिकी के लायक ना रहे। नहीं जाओ। हम समझ गए थे कि नमन को कमरे से बाहर आप ही निकाले। देखो अब आप खुद ही जाके जीजी को बताएंगे कि हम बताएं। ठीक है, जाओ जाकर बोल दो अपने जीजी से। ए मेघना हटो। अरे अरे सुनो तो, ये आदमी, अरे दरवाजा खोलो, बंद काहे किए दरवाजा?
कहा है कि हम तुम्हारा मुंह तो बंद कर नहीं सकते, इसीलिए हम दरवाजा ही बंद कर दिए। ऐसा क्या लड़ाई हुआ है तुम दोनों के बीच कि तुम मेघना को बंद कर दियो कमरे में? भाभी के सिरहाने से चाबी हम ही निकाल के नमन का कमरा खोले थे। ऐसा काहे किए तुम? गलती हो गई। और नमनवा कहाँ है? नहीं बता सकते भैया कि वो दुश्मन की बेटी बचाने गया है, वरना उसके पहले सब हमारा बैंड बजा देंगे। अरे कहाँ है नमन? हमको नहीं पता कहाँ है नमन। पापा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी सबको कमरे में बुला रही हैं अपने। लीजिए महारानी मैडम, हिलने डुलने के लायक तक नहीं रहा। ऐसा ही चाहिए था ना आपको? हाँ बिल्कुल, अगर होश में आ भी गया तो इसकी हड्डियां इसे इजाजत नहीं देगी हमारा सामना करने की। बांध दो इसे। ले रवि, उठा। कहिए असलम, सौदा पक्का समझे फिर 20 लाख में? 10 लाख अभी दे जाइए और बचे हुए 10 लाख माल ले जाने के बाद देना। जी महारानी जी, सौदा टन, आज ही रात इसे लेके जाऊंगा मैं। जान बचाने के चक्कर में काले शैतान ने आपका ये हाल कर दिया। क्यों क्यों सहते इतना दर्द आप हमारे लिए? क्यों करते हमसे इतना प्यार? कौन निकाला है नमन को कमरे से बाहर? कहां गया है वो? अरे बोल रहे हैं या हम अपना असली रूप दिखाएं? किसने खोला दरवाजा? फूटेगा कोई? देखिए जी, मैंने नमन को बाहर निकाला था। कहा उदय जी आप? हमने देखिए, वो रात में परेशान हो रहा था कमरे में बंद पर, और जब हम पानी पीने निकले तो हमको आवाज देकर बुलाया और बोला कि हमको घुटन सी हो रही है, हमको बाहर सोफा पे सोना है। कैसे हम मना करते? अरे बाप हैं, कोई कसाई थोड़े ना है, इसलिए निकाल दिया। लेकिन निकलने के बाद वो कहाँ गया है ये हमको नहीं मालूम। उदय जी, आपका जो इलाट प्यार है ना, वो हमरे बेटे को ले डूबेगा जाएगा, और नरेंद्र जी से भिड़ गया होगा। पता नहीं क्या तमाशा हुआ है कि कुमुद को गोली लग गया है। क्या? हाँ गोली। हम अभी इंस्पेक्टर को फोन करते हैं, खबर करते हैं। और आप लोग खड़े कहाँ हैं? अपने अपने आदमियों को भेजिए, ढूंढिए नमन को। चलिए।
गोली बस छू के निकल गई, पर जिस पॉइंट से छू के निकली है ना, वहां से निकलना ही बहुत डेंजरस था। आप बहुत नसीब वाले हैं कि कोई अनहोनी नहीं हुई, वरना कुछ भी हो सकता था। अरे आप क्या बोलें, भगवान बन के आई हैं आप, हमारी कुमुद को बचा लिया, हमको समझे में नहीं आ रहा है कैसे शुक्रिया अदा करें आपका। धन्यवाद। ये तो हमारा फर्ज था, ध्यान रखिएगा इनका। जी। आपको भी कभी इन कोनों दिक्कत हो तो हमको बता दीजिएगा। जी जी बिल्कुल जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ देखिए बाबू साहब, पूरा खबर रख रहे हैं हम, इसलिए सोचा बता दें आपको। ये इधर आप सुनैना को उठवाए हैं, उधर राजकुमारी जी का बेटा भी गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं जो गुंडा लोग सुनैना को उठाए हैं वो नमन सिंह को भी उठा लिए? देखिए एक सलाह देंगे आपको, जितना आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, उतना ये राजकुमारी जी भी। इसलिए ये महारानी जो भी है उसको रिक्वेस्ट करिए कि नमन सिंह को छोड़ दे। अच्छा ठीक है, देखते हैं। बाबू साहेब कहिए, खुशखबरी का बेताबी से इंतजार कर रहे हो? घबराने की बात नहीं, आपकी बेटी हमारे पास है, लेकिन बहुत जल्द उसे ऐसी लंबी यात्रा पर भेज देंगे जहां से वापसी का कोई टिकट नहीं। महारानी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा एक दुश्मन के साथ साथ दूसरा दुश्मन भी आपके साथ ही है? सही पकड़े हैं बाबू साहब। आया था वो हीरो यहाँ आसी की झाड़ने, लेकिन इस वक्त यहाँ वो बेहोश बदहवास सा पड़ा है हमारी गिरफ्त में। सुनेना, I'm sorry पंकजा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अरे गोली दाग देनी चाहिए ऐसे दामाद को जिसने आपके भतीजी का जिंदगी बर्बाद कर दिया। अरे नरेश सिंह, तुम हमारे मुंह पे काली पोतोगे तो हम चुप रहेंगे? हमारे हाथ नहीं है, मुंह तोड़ देंगे आप। इतना बड़ा आशिक है उस ससुर का नाती, कहीं तुम हिलाते हिलाते उसका पीछे ना आ जाए यात्रा में। हमारी एक बात मानो, दोनों को खत्म कर दो। ठीक है, जैसा आप चाहें। आईना रूप नहीं हकीकत भी दिखाए। दंगल प्ले ऐप पर।